सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं एक न्यू हॉरर गेम जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ एंग्रो। गाइस, इस गेम के अंदर दो भाई होते हैं और एक भाई को अचानक से पता नहीं कौन किडनैप कर लेता है। मेरे को इतना जरूर से पता है ये काम पक्का उन्हीं ब्लैक मैन का हो सकता है, बट उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया ये मुझे पता नहीं है। बट जो भी है, मुझे जाना पड़ेगा ब्लैक मैन के पास और मेरे भाई को किसी भी तरह वहां से वापस लाना होगा। सो लेट्स गो, चलते फ्लावर्स गेम में। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला गेम प्ले के अंदर, तो गेम प्ले के तक जरूर से देखना। अभी चलते फ्लावर्स गेम में, बट उससे पहले वीडियो जल्दी से लाइक करो और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। सो गाइस, गेम स्टार्ट हो चुका है। गेम में आते ही मैं एक रूम के अंदर बंद हूं, पता नहीं ऐसा क्यों है। ये शायद से मेरा ही घर है और मेरे घर से अभी मेरे को जाना पड़ेगा। मतलब ब्लैक मैन जो है उनके कबीले के अंदर उनका एरिया जो है वो पूरा अलग सा ही है। बट उससे पहले यहां पर मोबाइल रिंग कर रहा है, इसको शायद मेरे को उठाना चाहिए। हेलो, इससे शायद मेरे को पता चल सकता है कि मेरा भाई कहां पर है या फिर कुछ और। ओ वेट, ये तो मेरे ब्रदर का ही कॉल है। What's up? मतलब कि वो जहाँ पर किडनैप है वहां से मेरे को कॉल कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पर बात करने के बाद मेरे को पता चला है कि मेरा भाई कहाँ पर है। मैंने जो सोचा था वही हुआ, वो कबीले ब्लैक मैन जो है उनका कबीला है और वहीं पर मुझे जाना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। तो हमने बोल दिया कि भाई जल्दी से मिलने वाले हम, तो लेट्स गो चलते फटाफट से। बट मेरे को यहाँ से निकलने के लिए क्या करना होगा। वेट, मेंडू ये क्या, योर ब्रदर इज नॉट हियर येट, डू यू वांट टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। ओके, बाहर तो जाना पड़ेगा मेरे को। सो गाइस, मैं घर के बाहर निकलते मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गया हूँ। बट मेरे को इतना जरूर से पता है मैं गाड़ी लेके यहाँ पर आया हूँ, बट कैसे आई डोंट नो, मेरे को वो सीन दिखाया नहीं, तो मैं आपको क्या दिखाऊं भाई। ओके, मेरी गाड़ी का हेडलाइट मैंने बंद करे ताकि इनको पता ना चले कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर इनको बाई चांस पता चल गया तो शायद मेरे को भी किडनैप करके पता नहीं कहाँ पर ले जाके रख देंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। बट इनका कबीला देखूँ ना भाई, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मतलब ये हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग, एक अलग से एरिया में ये लोग रहते हैं। बट मेरे को यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा संभलना पड़ेगा। और यहाँ पर जहाँ पर देखो वहाँ पर लालटेन रखे हुए हैं, इनसे मैं क्या करूँ यार। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ अलमेरा है, इनके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ। क्या पता यहीं पर मेरा भाई मेरे को मिल जाए और यहीं पर गेम की एंडिंग। बड़े सा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। फिलहाल तो यहाँ से कुछ नहीं मिला है, मेरे को जाना पड़ेगा आगे। वेट, यहाँ पर कुछ है क्या। ओह, यहाँ पर एक डोर ज़रूर है। दिस डोर इज़ लॉक्ड, इसको खोलने के लिए मेरे को लॉक पिक चाहिए होगी। लेट्स गो। वेट, यहाँ पर इतनी लाइटिंग क्यों है भाई। लालटेन वहाँ पर रखा हुआ है और लाइटिंग यहाँ पर है, ये कुछ अलग ही नशा है। लेट्स गो, इसको छोड़ो अभी। यहाँ पर और भी अलमेरा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ ना कुछ तो हाथ में लगेगा जिससे मैं इस डोर को खोल सकूँ। नहीं यार, इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें। ओ वेट, एक पेटी जरूर रखी हुई है इसके अंदर। पिकअप लॉक, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, लॉक पिक मिल चुकी है मेरे को। अभी से फटाफट से ना। वेट यार, ये झाड़ कहाँ से बीच में आ रहा है, झोंपड़ी के आर पार कुछ भी। लेट्स गो, अभी इसको खोलते फटाफट से। प्लीज़ यार, जल्दी जल्दी खुल जा तू बस। अभी इसको खोलने के बाद शायद मैं दूसरी जगह पहुंच सकता हूं, पर इसका खोलने का सिस्टम कुछ अलग सा है। ओके फाइनली गाइस, ये दरवाज़ा खुल चुका है, लेकिन अभी मेरे को जाना कहां पर है। और भाई साहब, कभी भी किसी भी टाइम पर वो हमला कर सकते हैं मेरे ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा। लेट्स गो, यहां पर तो रास्ता ही बंद है। हेलो, अच्छा अच्छा, यहां पर एक रास्ता ज़रूर जा रहा है। मेरे को सब रास्ते देख के भाई साहब मतलब याद रखने, वापस यहाँ पर आना भी पड़ सकता है मेरे को। ओह वेट, यहाँ पर एक कुआ है और कुएं के बाहर ना एक आउल बैठा हुआ है, बट कुएं के अंदर पानी नहीं है। ये क्या शाहरुख़ान जैसी हरकत कर रहा है कुछ भी। लेट्स गो, अभी यहाँ से फटाफट से कल्टी मारते हैं और जाके पता लगाना है कि भाई यहाँ पर ब्लैक मैन है कौन। मतलब ये ऐसा क्यों करें, मेरे भाई को किडनेप क्यों करें, सब कुछ मेरे को जानना है। बट यार ये एरिया देखूँ ना मैं, काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है और देखने में थोड़ा थोड़ा मस्त भी लग रहा है वैसे, क्योंकि ऐसे एरिया मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ास करके जब वो डरावने हो। यहाँ पर कुछ तंत्र मंत्र करना है क्या। हाँ, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, मे बी समथिंग नीड्स टू बी प्लेस्ड हेयर। यहाँ पर कुछ रखना है मेरे को। ओ अच्छा अच्छा, ये शायद से इनका टेंपल है। हाँ, देखने में लग तो रहा है शायद ये भी मतलब कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना, इनका भी कुछ अलग ही ठिकाना होगा। लेट्स गो, अब यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है और सामने ये क्या चीज़ें हैं, मतलब कि अलग अलग पत्थर रखे हुए हैं, इनके ऊपर ना अलग अलग सिंबल भी बने हुए हैं। देखो, स्टार भी बना हुआ है। हेलो, आगे रास्ता बंद है, मतलब कि मेरे को ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा। एक सेकंड, सामने कोई है, वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा मेरे को, कुछ दिखा ज़रूर है मेरे को। गाइस, इस साइड आने के बाद मेरे को पता चला है कि भाई ये बहुत बड़ा कबीला है। जहाँ पर देख रहा हूँ वहाँ पर झोपड़ी झोपड़ी, यहाँ पर ही मेरे को कुछ ना कुछ तो दिखा था। वो अच्छा यार, ये दो एरो बने हुए ना, मेरे को लगा दो इंसान खड़े हैं, या फिर ये इंसान है या कुछ और, ये भी मेरे को कंफर्म पता नहीं है। ओह, सामने कुछ पेटी वेटी रखी हुई है, इसके अंदर से कुछ। ओ नो 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 नो, ओ भाई क्या, यहाँ था कौन। हेलो गाइस, यार इसको भी किडनैप करके रखा शायद, क्योंकि ये ब्लैक नहीं है, ये सिंपल इंसान लग रहा है मेरे को।
और इसको किडनैप करके रखा है। और जैसे मैं ऊपर से गिरा तो शायद ये डर गया और डर के मारे इसकी बत्ती गुल। लेट्स गो। और मेरे को फटाफट से यहाँ से कल्टी मारनी पड़ेगी। मैं दूसरी साइड तो आ चुका हूँ लेकिन मेरे को वो पेटी चाहिए थी। उस पेटी के अंदर हो ना कुछ तो होगा जो मेरे काम का है। ओह, दूसरी साइड आने के बाद यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है और सामने भाई आग जली हुई है पूरी की पूरी। ओह नो नो नो, ये क्या चीज़ है? आई डोंट नीड टू पिक अप। इसको भी मेरे को साथ में लेना है या फिर इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा और इसके लिए मेरे को कुछ अलग सी चीज़ चाहिए होगी इसको उठाने के लिए। ओ भाई साहब यार, जहाँ पर देख रहा हूँ वहाँ पर आग ही आग। ओह यहाँ पर है ना भाई, इसके अंदर जाके देखते हैं। नहीं ओके यार, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। यहाँ पर बहुत सारी झोंपड़ पट्टी है। लेट्स गो, सब की सब जाके मेरे को चेक करनी पड़ेगी। ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है वैसे? ओ नो 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 भाई यार, यहाँ पर भी किसी को मार के रखा है। हेलो वेट, ये दरवाज़ा खुला है। आई हेयर फोन रिंगिंग इन द डिस्टेंस, बट कहाँ से आ रही है? क्योंकि यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ से मैं आगे जा सकूँ। फ़ोन तो बज रहा है भाई, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, पर ये कहाँ से बज रहा है ये मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। वेट, यहाँ पर भी आग जल रही है भाई झोंपड़ियों के अंदर, मतलब कि यहाँ पर ब्लैक मैन है ही नहीं। मेरे से कुछ ना कुछ तो गलती हुई है या फिर मेरे भाई से गलती हुई है, उसने मेरे को यहाँ का पता दिया है। बट यहाँ पर मैं दूर दूर तक देखूँ तो यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। बच्चा क्या, बड़ा भी नहीं है यार। ये क्या चीज़ है, बहुत बड़ी लग रही है और इसके ऊपर ही आग जल रही थी। एक सेकेंड, ये क्या कैंडल का मैं क्या करूँ? वेट वेट वेट, मैं यहाँ पर पहुँचा ज़रूर हूँ लेकिन ये देखो गाइस, ये चर्च है और चर्च के अंदर दो इंसानों को लटका के रखा है। ओ वेट, तेरी बैंड बजा दूंगा मैं। ये है कौन बट? ओ ये तो ब्लैक मैन है, उन्हीं की गैंग का लग रही है। पर इसको ऊपर लटका के क्यों रखा है? अरे तो सिंपल सा इंसान है, मतलब कि ये जो है ना वो उनकी गैंग का नहीं है और ये 100% उन्हीं की गैंग का है। यहाँ पर भी एक दूसरी कैंडल रखी हुई है, इनको शायद से मेरे को फाइंड करना होगा। यहाँ पर भी एक रखी हुई है। लेट्स गो, तीन कैंडल हो चुकी है बट इनका यूज़ मेरे को अभी तक पता नहीं है। लेट्स गो, अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। बट यहाँ से निकलने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो करना होगा। वेट, यहाँ पर पांच सिंबल बने हुए हैं और यहाँ पर भी चार सिंबल है, बट ये जो सिंबल है वो वहाँ पर भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिंबल बना हुआ है वो लीवर मेरे को ऑन करना होगा। ओके वहाँ पर भी जाके देखते हैं, सामने भी कुछ सिंबल बना हुआ है। ओके ओके, दो सिंबल यहाँ पर भी है, दो वहाँ पर भी है, मतलब चार तो मैं ऑन कर दूंगा। बट ये जो पांच वाला सिंबल है वो ना यहाँ पर है ना ही सामने है। ये वाला कहाँ पर होगा यार? इसका लीवर मेरे को ढूंढना पड़ेगा शायद। बट ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, ये क्या है? ब्लू लाइट, ब्लू लाइट। वेट, ऐसा तो नहीं इस बुक को मेरे को वहाँ पर रखना है? बट कैसे, इसको धक्का मारूँ क्या मैं? घसीटते घसीटते मैं इसको इतनी दूर तो लेके आई हूँ लेकिन इसको घसीटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वजन है। बट है या नहीं मेरे को नहीं पता। सिंपली यहाँ पर एक बुक रखी हुई है बट नीचे जो लगा हुआ है ना उसको खिसकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट इसको वहाँ पर ले जाने के बाद क्या होने वाला है यार, ऐसा वही तो मेरे को जानना है। शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पजल है जो छुपी हुई है और उसको मेरे को पूरा कंप्लीट करना है। थोड़ी दूर हो रहा है और पता नहीं इस क्रॉस का मतलब क्या है और यहाँ पर कुछ सिंबल भी बने हुए हैं, उनको मेरे को शायद कुछ करना होगा और तभी जाके ये पजल सॉल्व होगी। ओके थोड़ा सा और खिसकाना है मेरे को और विंडो के पास लेके जाते ही अभी देखते हैं होता क्या है। लेट्स गो, फाइनली अपना काम बन गया। नहीं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। ओ अच्छा अच्छा, इसके अंदर लाइट आ गई भाई, बट ये इतनी रोशनी आ कहाँ से रही है? यहाँ पर तो कोई जगह भी नहीं है। बट ठीक है, ये पूरी लग चुकी है, मतलब लाइट हो चुकी है। यहाँ पर देखो चार लीवर है और चार सिंबल है, एक सिंबल के नीचे एक लीवर है, मतलब कि जो सिंबल बना हुआ है वही लीवर मेरे को चालू भी करना है। चलो इनको छोड़ो, अभी दो मैंने कर दिया, दो सामने भी, चार सामने हैं, उनमें से दो मेरे को ऑन करने हैं। लेट्स गो, बट एक दिक्कत है अभी भी जो कि अभी मेरे को पता चलने वाली है। यहाँ पर चार चार सिंबल है लेकिन जो सामने वहाँ पर पांच सिंबल है, बट ये जो लास्ट वाला सिंबल है ये पता नहीं कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। बट ये लास्ट वाला सिंबल मेरे को दिखे, एक सेकेंड, यहाँ पर लीवर भी है। ओ
यहाँ पर लीवर और सिंबल भी ये वाला ही है। गाइस फाइनली अपना काम बन गया। अब इसको फटाफट से इसको चालू कर दे। सामने लाइट ऑन हुई। अरे रास्ता पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। हेलो कोई है क्या यहाँ पर? ओ दरवाज़ा खुला है और यहाँ का दरवाज़ा बंद है। चलो अंदर जाके देखते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चीज़ छुपा के रखी है जो कि मेरे हाथ लगने वाली है और जिसकी मेरे को ज़रूरत भी है। ओह वेट यहाँ पर एक पेटी रखी है जो कि सिंपली मेरे को शुरुआत में मिली थी, बट उसको जैसे लेने गया भाई साहब मैं अचानक से नीचे गिरा और इंसान था नीचे वो डर के उसको हार्ट अटैक आ गया और उसका खेल ख़त्म हो गया। यहाँ से सिंपली मेरे को एक कैंडल मिली है, कुछ ज़्यादा नहीं यार, बल्कि ये पेटी है इसको शायद से मेरे को खोलना होगा। उसको खोलने के बाद ये क्या वेट 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 आवाज़ आ रही है ये किसी जानवर की आवाज़ लग रही है। हेलो और ये दरवाज़े भी लॉक हो गया। शायद मैं बाहर जाता तो मेरी भेंट बच सकती थी। चलो ठीक है अपने लिए अच्छा ही है, बट ये जानवर है या फिर ब्लैक मैन है, क्योंकि भाई वो राक्षस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी तक देखा नहीं उसको। हेलो गया? अरे कितनी देर में गायब? बहुत सारी मक्खियाँ घूम रही है, क्या चल रहा है भाई? मेरे को जाके देखना ही पड़ेगा। अगर वो आसपास हुआ तो भाई मेरे को खतरा है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बट अभी वो यहाँ पर आके गया है। इतनी देर में गायब कैसे हो सकता है यार? लेट्स गो वापिस से चलते हैं। वहाँ पर कुछ दिखा तो था जो कि चाबी जैसा आवाज़ आई थी मेरे को, और यहाँ पर चाबी भी है। एक जानवर के हाथ में चाबी तो नहीं हो सकती, पक्का वो ब्लैक मैन ही था। और ये शायद चाबी जानबूझकर छोड़ के गया है ताकि मैं इस पेटी को खोलूं और इसके अंदर क्या मिलने वाला है आई डोंट नो, बट जो भी है ये मेरे को लेके जाएगी डायरेक्ट ब्लैक मैन के पास। एक सही नहीं, यहाँ पर तो सिंपली एक पेपर है, पेपर का मैं क्या करूँ? ओह पिकअप मैप ब्लू लाइट मैप है, बट इसके अंदर नक्शा नहीं बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा जरूर है ब्लू लाइट। ओ नो इस पेपर को मेरे को ब्लू लाइट के पास लेके जाना है और इसीलिए सब कुछ किया है मैंने। ओके इस पेपर को यहाँ पर खोलते हैं। गाइस यार ब्लू लाइट के ऊपर करते ही यहाँ पर मैप बन के आ रहा है और यहाँ पर सिंपली पहले बना हुआ है बंकर रोड रिवर और चर्च के अंदर तो मैं ऑलरेडी हूँ, बट मेरे को शायद इन जगहों पर जाना है और शायद ये ब्लैक मैन ही मेरे को बुलाना चाहता है वहाँ पर। और इसको ये पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ मेरे भाई को ढूंढते? कुछ तो लोचा है भाई, उनको पता चल चुका है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा खतरा है, मेरे को बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा। अभी चलते हैं बाहर फटाफट से, अभी देखते हैं मेरे को जाना इधर है। शुरुआत में कहाँ से वेट, सामने ड्रम कैसे गिरे ऑटोमेटिक? गाइस यार मेरे को तो बड़ी गड़बड़ लग रही है यार, कुछ भी हो सकता है, मेरे को बहुत ज़्यादा संभलना पड़ेगा। आसपास में थोड़ा ध्यान रखना है मेरे को। लेट्स गो यहाँ पर जाऊँ क्या मैं? हेलो कोई है तो नहीं? गड़बड़ मत करना यार। ओ ये ऑटोमेटिक बंद कैसे हुए? अरे ये हो क्या रहा है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सही में। उनको पता चलते मेरे साथ ऐसे हादसे होने लग गए हैं। वेट यहाँ पर भी कोई लेट, इसको भी बहुत पूरी तरह मारा है भाई। अब मेरे को ये डर है कि मेरे भाई के साथ ऐसा सीन ना हो जाए। कैंडल एक और मिले मेरे को, टोटल 5 कैंडल हो चुकी है, बट यहाँ पर एक और पेटी है, इसको भी शायद मेरे को खोलना होगा। नहीं यार इसको चाबी से नहीं, मेरे को ना पासवर्ड चाहिए होगा इसके लिए। अभी ये पासवर्ड कहाँ से लेके आऊँ मैं? पहले तो यहाँ से बाहर निकलो, मैं यहाँ पर पूरा लॉक हो चुका हूँ। अभी इसके लिए शायद मेरे को चाबी चाहिए होगी, मेरे को पता था यार ये जैसे ब्लॉक हुआ ना उससे मेरे को पता चल गया यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा मेरे को, पर निकलूँ कैसे मैं? यहाँ के लिए चाबी चाहिए, चाबी यहाँ पर कहीं पर भी दिख नहीं रही मेरे को। ऊपर से जाऊँ क्या मैं? नहीं यार कोई भी वर्क नहीं कर रहा चाबी इसके अंदर। ओ गाइस एक सेकंड, बेड के पीछे छुपा के रखिए चाबी। फाइनली यार चाबी तो मिली, हाथ तो लगा। अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और निकलते हैं। मैं ये को वो यार ये क्या, यहाँ से निकलते भाई दरवाज़ा जैसे ही खोला मैंने मुंह पर मुक्का मारा, लेकिन मेरे को ये जरूर से पता है कि ब्लैक में नहीं था, सिंपली एक इंसान था। पर इंसान ने मेरे को मुक्का क्यों मारा
वो उनके साथ मिला हुआ है या फिर उससे कुछ तंत्र मंत्र करवा के कुछ भी करवा सकते हैं। अभी मेरा काम तो पूरा खत्म हो चुका है शायद से, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका हूँ। अभी जो भी मेरे साथ हुआ है वो हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर से देखना, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है इसका नेक्स्ट गेम प्ले। सो गाइस आज के गेम प्ले अगर आपको पसंद है दिल से वीडियो लाइक करो और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करो, ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले फन गेम प्ले आप डेली देख सकते हैं चैनल पर। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।